भाइयों, हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं असल में वो प्रचार मंत्री हैं, और प्रचार भी हमेशा झूठा करते हैं और जुमले फेंकना उनकी आदत है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने एक और झूठा प्रचार कर दिया उनकी सरकार ने कि भाई उनकी सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ एमएसपी बढ़ा दी है। लेकिन उनके एमएसपी बढ़ाने के दावों की हकीकत क्या है, ये किसानों के साथ साथ हर भारतीय को समझना बड़ा जरूरी है। थोड़ी कुछ बेसिक चीजें आपको बताते हैं। 2007 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट ने तीन चीजों का जिक्र किया, A2, A2 प्लस FL और C2। ये तीन चीजें थी, तीन टर्म दी गई और इन तीन टर्म के अनुसार फसलों की लागत मूल्य निकाली गई। A2 के अंदर आता है खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, यूरिया खर्चा, दवाइयों का खर्चा। A2 प्लस FL के अंदर आता है इन सभी खर्चों के अलावा फैमिली लेबर भी। एक टर्म उन्होंने निकाली C2। C2 के अंदर सारी चीजें आती हैं, जैसे खाद का खर्चा, बीज का खर्चा, दवाइयों का खर्चा, आपका फैमिली लेबर, आपका जो लेबर आपने बाहर से जो लगाया उसका भी खर्चा उसमें जोड़ा जाता है। जमीन बेशक आपकी खुद की हो फिर भी जो उसका ठेका उठता है साल का, जो उसका किराया होता है वो भी जोड़ा जाता है। जो आपके एग्रीकल्चर इक्विपमेंट है जैसे ट्रैक्टर, हैरो, कल्टीवेटर और सारी मशीनें, एक साल में उनकी कीमत कितनी कम होगी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस डेप्रिसिएशन, वो भी लागत में जोड़ा जाता है। इसके अलावा जो आपका सारा खर्चा है इरिगेशन का, बाकी चीजें, इस सारे खर्चे का ब्याज भी जोड़ा जाता है, उस टर्म को बोला जाता है C2। और उन्होंने एक फार्मूला दिया था स्वामीनाथन आयोग ने कि किसानों को C2 प्लस 50% के अनुसार MSP दिया जाना चाहिए, यानी जो C2 लागत है उसमें 50% ऊपर जोड़ के वो MSP किसानों को मिलना चाहिए। ये 2007 में रिपोर्ट आ गई थी। 2007 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने भी उस रिपोर्ट को लागू नहीं किया। 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत रैलियों में जोर शोर से कहा कि उनकी सरकार बनी तो पहली कलम से C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार किसानों को MSP देना शुरू करेंगे। लेकिन इनकी सरकार ने 2015 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे दिया कि इनकी सरकार C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP किसानों को नहीं दे सकती। और ये हलफनामा मोदी सरकार की तरफ से दिया गया था जस्टिस रमन्ना और जस्टिस चट्टोपाध्याय की बेंच के सामने। अब जो आज के दिन जो सरकार कर रही है वो A2 प्लस FL के अनुसार MSP दे रही है, जबकि हमारी मांग ये है कि C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP दिया जाए। ये तो होगी टेक्निकल टर्म। यदि हम बिल्कुल सरल भाषा में बात करें तो यदि अगर हम पिछले 17-18 सालों की बात करें तो 2002 के बाद से 2019 तक यदि किसानों को C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार फसलों का MSP मिलता तो भारत के किसानों को 45 लाख करोड़ रुपए ज्यादा मिलना चाहिए था, जो उन्हें नहीं मिला। आज के दिन भारत के सभी किसानों के ऊपर टोटल कर्जा कितना है, 10 से 12 लाख करोड़ रुपया, अगर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के कर्ज को छोड़ दिया जाए। तो यदि C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार हमें MSP मिला होता तो हमारे ऊपर एक भी पैसे का कर्ज नहीं होता और उल्टा लगभग 35 लाख करोड़ रुपया केंद्र सरकार की तरफ हमारा बकाया बचता। अब सरकार ने क्या किया, आपकी बार, अब उस पे आ जाते हैं। सरकार ने पैडी का MSP घोषित किया 1960 रुपया क्विंटल, 1960 रुपया क्विंटल। लेकिन यदि हम C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार निकालें तो ये MSP बनता है 2590 रुपया क्विंटल, यानी जो हमारा हक है, जितना MSP हमें मिलना चाहिए था उससे 630 रुपया प्रति क्विंटल उसे कम सरकार दे रही है। तो सरकार अपनी पीठ किस बात की थपथपा रही है। इसी तरीके से आप कपास का देखें, जिसे कई जगह बाड़ी बोला जाता है, कई जगह नरमा बोला जाता है, C2 प्लस 50% फार्मूले के अनुसार उसका MSP बना 7753 रुपया प्रति क्विंटल, लेकिन सरकार ने क्या घोषित किया, 5726 रुपया प्रति क्विंटल। यानी प्रति क्विंटल नरमा कपास बाड़ी पे किसान को 2027 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो फिर ये मोदी सरकार अपनी तारीफ किस लिए कर रही है, फिर गोदी मीडिया मोदी सरकार के तारीफों के ढोल क्यों बजा रही है। अरे भाई, किसान से तो आप अभी भी 2027 रुपए प्रति क्विंटल लूट रहे हो कपास के ऊपर, आप पैडी के ऊपर 630 रुपए प्रति क्विंटल किसान से छीन रहे हो, ये हकीकत है। और ये मोदी सरकार होश में आए, ये झूठा प्रचार करने से काम नहीं चलेगा, पूरा देश का पूरा किसान समाज अब ये हकीकत जान चुका है। अब बच्चा बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, माताओं बहनों तक ये समझते हैं कि हमारी मांग C2 प्लस 50% के अनुसार MSP की है और MSP पे गारंटी कानून। सरकार क्या दे रही है, सरकार दे रही है A2 प्लस FL।
और 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने खुद C2+50% के अनुसार MSP देने का वादा किया था। और 2011 में जब ये मुख्यमंत्री मोदी होते थे तो कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन होने के नाते इन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट कराई थी उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, और उसके पॉइंट नंबर B3 में खुद इन्होंने लिखा था कि किसानों के लिए MSP गारंटी कानून होना चाहिए। लेकिन आज 2021 में किसान भी वही मांग कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी की प्रमोशन होके मुख्यमंत्री से वो प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अब अपनी बात से ही पलट रहे हैं। कभी वित्तीय घाटे का रोना रोती है इसकी सरकार इनकी, या कभी कुछ और रोती है। दूसरी बात मेरे भाइयों, एक सवाल यह भी उठता है कि MSP तो घोषित कर दिया, लेकिन MSP कितने किसानों को मिलता है? बहुत सारे राज्य तो भारत में ऐसे हैं जहां के किसानों ने MSP शब्द सुना ही नहीं है। इसलिए हम ये बात कहते हैं कि MSP की गारंटी का कानून बनाया जाए जो पूरे देश में यूनिवर्सल तरीके से लागू हो, हर फसल पे MSP की गारंटी का कानून हो। और एक और चीज जो हमें ध्यान रखने योग्य है, 2014 से पहले जब BJP के लोग विपक्ष में होते थे और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमत $100 प्रति बैरल से भी ज्यादा थी, तो उस समय ये भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम कराने के लिए प्रदर्शन करते थे। आज इंटरनेशनल मार्केट में लगभग $63 प्रति बैरल के आसपास क्रूड ऑयल की कीमत है, और मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद तो एक समय इंटरनेशनल लेवल पे क्रूड ऑयल की कीमत $30-35 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ा दी। 2014 के अंदर जब पेट्रोल की कीमत 71 रुपया प्रति लीटर थी, उस समय बेस प्राइस था 47 रुपए और सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्स लेती थी वो था 10 रुपया प्रति लीटर। अगर बात करें फरवरी 2021 की, एक डाटा आया है, उस समय तेल की कीमत पेट्रोल की कीमत 90 रुपया प्रति लीटर थी। आज के दिन तो कई शहरों में पेट्रोल ने सैकड़ा मार दिया। फरवरी 2021 में जो तेल है उसका बेस प्राइस है वो 32 रुपया प्रति लीटर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स 10 रुपए से बढ़ के हो गया 32 रुपया। सरकार जो ये बात कहती है कि भाई तेल की कीमत तो इंटरनेशनल कीमतों के अनुसार तय की जाएगी, तो जब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार क्रूड ऑयल $30 प्रति बैरल आ गया था, तो उस समय यहां पे तेल सस्ता क्यों नहीं किया? और जो ये MSP बढ़ाने का दावा करते हैं मेरे भाइयों, एक चीज हमें समझनी चाहिए, किसान डीजल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करता है, सारी चीजों में उसको डीजल का उपयोग करना होता है। जो सीड्स आते हैं, पेस्टिसाइड आते हैं, जैसे ही डीजल की कीमतें बढ़ेंगी तो खाद की कीमतें भी बढ़ जाती हैं, डीजल की बाकी बीज की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, पेस्टिसाइड की कीमतें भी बढ़ जाएंगी, तो किसान की लागत तो इन्होंने कई गुना बढ़ा दी। और MSP कितना बढ़ाते हैं? बहुत कम बढ़ाते हैं। जिस तरीके से कहते हैं ना ऊंट के मुंह में जीरा, उस तरीके से MSP बढ़ाएंगे, इतना MSP बढ़ाएंगे 1 रुपए का, लेकिन ये प्रचार करेंगे 100 रुपए का। यदि ये प्रधानमंत्री झूठा प्रचार बंद करके वो प्रचार में खर्च होने वाला पैसा जनता के लिए दे दें, जो पैसा ये अपनी छवि चमकाने के लिए लगाते हैं वो पैसा यदि ये समाज के लिए दे दें तो जनता का कुछ भला हो जाएगा। लेकिन इनकी आदत क्या है, एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग सच मानने लग जाएंगे। ये लोग BJP RSS के लोग किसान समाज को मूर्ख समझते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता ये किसान समाज भोला जरूर है लेकिन ये बुद्धिमान भी बड़ा है। ऐसी कोई दुनिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, ये मिट्टी को देख के बता देंगे कि इसमें नमी कितनी है बिना किसी मशीन के। तो इस किसान समाज को मूर्ख समझना बंद करें ये BJP RSS वाले लोग, ये सभी राजनीतिक वर्गों के लोग। अब किसान समझ चुका है, अब किसान जाति धर्म अक्षितर से ऊपर उठ के एकजुट हो चुका है, और अब किसान अपना हक लेके रहेगा, किसान किसी भी बहकावे में नहीं आएगा, किसान तीनों काले कानून वापस कराएगा और MSP गारंटी कानून लागू कराएगा, और उसके बाद C2+50% के अनुसार अपनी फसलों का MSP भी लेंगे, उसके बाद पूर्ण कर्ज मुक्ति भी कराएंगे। साथियों अंत में यही निवेदन है, जो एक किसान एकता मोर्चा पेज है ये आपका अपना पेज है, ये आपकी अपनी आवाज है, इसके पीछे एक टीम है जो दिन रात 24 घंटे मेहनत करती है ताकि किसान समाज की आवाज ना सिर्फ देश के हर कोने में बल्कि दुनिया के हर कोने में पहुंचे। तो पूरी इस टीम का आप सहयोग करते रहिए, और सहयोग का सबसे बढ़िया तरीका है इस पेज को सबसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपके सुझाव हो बेहतर के लिए वो कमेंट में आप डालिए, इतना प्यार आप देते रहिए ताकि इस टीम का भी जो दिन रात मेहनत करती है धूप में रात में चाहे बारिश हो इसका भी हौसला लगातार बढ़ता रहे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।